यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब आपको दिखाते हैं हैरान करने वाली तस्वीर। जी हां, फतेहपुर से विशालकाय अजगर की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में अजगर नील गाय को निगल रहा है और मौके पर मौजूद लोग इसका वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें फतेहपुर से, अरे लोग वीडियो बना रहे हैं अजगर का। और एक बड़ी खबर मेरठ से, महिला से गैंगरेप मामले में लगातार एक्शन चल रहा है। गैंगरेप का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी पूर्व फौजी का दोस्त भी पकड़ा गया है। मेरठ से खबर, बड़ी खबर, गैंगरेप मामले में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। दूसरा आरोपी पूर्व फौजी संदीप चौधरी का दोस्त अरविंद जाटव निकला और अब पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर मेरठ से। बलराम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। बलराम, और क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए राजेंद्र, जिस तरीके से पुलिस इस पूरे प्रकरण का अनावरण किया है और उसके बाद जो दूसरा आरोपी फरार था अरविंद जाटव, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस का कहना है कि जिन दोनों आरोपियों ने ये कृत्य किया था, वो दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने मीडिया के सामने आकर के ये बयान दिया है कि चलती बस में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि महिला अपनी स्वेच्छा से इनके साथ गई थी और ये सहमति से रिलेशन बना है, तो कहीं ना कहीं अब सवाल उठते हैं कि आखिरकार जो दोनों आरोपी थे, उन्होंने नशे की हालात में उस महिला को सड़क पर फेंक करके क्यों भागे? और उसके बाद जो महिला ने बयान दिए हैं पुलिस को कि उसको उसके साथ चलती बस में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, महिला ने आखिरकार झूठ क्यों बोला पुलिस से? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सहमति से फिजिकल रिलेशन